तो दही को स्टीम करके खट्टा मीठा केक कैसे बनाना है, तो सबसे पहले मैंने ये दही ले लिया है। दही को आपको एक ऐसी चलनी लेनी है और ऐसे एक बाउल, और इसको आपको इसमें छान लेना है। तो आपको इस योगर्ट को, दही को 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। इसमें जो एक्स्ट्रा ये थोड़ा सा वाटर है ये निकल जाए। तो आप देख सकते हैं इस दही का जितना एक्स्ट्रा पानी था वो निकल चुका है। अब चलिए इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लें। तो अब इस योगर्ट में आपको कंडेंस मिल्क का यूज करना है। आपको इसमें मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूं। और 1/2 टेबलस्पून इलायची पाउडर और 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर। अब ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपको दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लें और दही को थोड़ा पतला होने दें। तो ये दही को मैंने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया है, देख सकते हैं आप। और इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ, ये खजूर है हमारे पास, इसके मैंने इस तरह के स्लाइसेस में पीस ले लिए हैं और इनको मैं ऐड कर देती हूँ। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये एप्पल के पीसेस हैं, इनको ऐड कर देंगे। आपको कोई भी फ्रूट्स पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये दही से केक बनाना मैं आपको बता रही हूँ जो बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगा। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े ऐड कर सकते हैं। और अब ले लेते हैं ऐसा एक स्टील का बाउल। अब इसमें मैं ग्रीस कर दूंगी बटर, ये हमारे पास बटर है, आपको बटर इसमें लगा देना है इस तरह से। तो अब ये दही के स्टेप को मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया है एक बाउल में। अब आपको ले लेना है गहरा बर्तन, ये मैंने कुकर ले लिया है, गहराई है इसकी, और गैस आपको ऑन कर देनी है। और इसमें अब आपको डालना है पानी। तो अब आपको इसके अंदर एक स्टैंड रखना है बर्तन वाला, या फिर आप ऐसा एक जाली का बर्तन ले सकते हैं और उसको रखें ताकि नीचे से भी इसकी भाप मिले। और इसकी आप प्लेट लगा दें और पानी को, तो आपने जो केक का ये दही का तैयार करके रखा है पेस्ट, आप इसके ऊपर अब क्या करेंगे, ये फ्रेश कार्ड आता है जो स्टील का होता है, ये पेपर, इसको आपको इसके ऊपर कवर कर देना है इस तरह से। देख सकते हैं मैंने इसको कवर कर दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, ये पानी हमारा बॉयल हो गया है। अब इसको आपको अंदर रख देना है स्टीम होने के लिए और इसकी लेट लगा दीजिए 30 से 40 मिनट के लिए। आप मीडियम फ्लेम पे या स्लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए। चलिए तो चेक कर लेते हैं ये हमारा दही का जो केक है वो कैसा है, इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये सेट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको 2 घंटे के लिए ठंडा होने देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये दही का केक जम चुका है। आपको इस तरह के एक रबड़ के स्पून से साइड में इस तरह से कर लेना है आपको थोड़ा सा स्पेस, और फिर इसको एक प्लेट में या बाउल में आप निकाल लें। आप देख सकते हैं मैंने ये केक तैयार किया है। तो ये दही स्टीम केक बना के मैंने तैयार किया है। चलिए इसको थोड़ा सा डेकोरेट, तो चलिए चॉकलेट क्रीम से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। चॉकलेट क्रीम की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लेती हूँ। बहुत ही यमी बनके तैयार हुआ है ये दही का एकदम यूनिक केक है।